हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6। तो अब हम आपको बताते हैं कि हमारे शाम के टाइम में हमारे फार्म पे हम क्या क्या करते हैं। तो आज का व्लॉग बहुत ही खास है, क्योंकि शाम के टाइम में जो भी मतलब गतिविधि करेंगे हमारे पशु के साथ में फार्म पे, वो आपको व्लॉग में आज विजिट करवाएंगे। तो चलो देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे शाम के टाइम में फार्म पे। शाम के टाइम में हम फार्म पे आके सबसे पहले क्या करते हैं, तो चलो दिखाते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे आके हम पशु को मतलब अंदर पशु हैं उनको बाहर बांधते हैं। तो चलो बांधते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी चित्रा है। तो सबसे पहले मैं चित्रा को बाहर बांधती हूँ। ये सारा है, इसको भी बाहर बांध दिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके एक एक करके हमने सारे पशु को बाहर बांध दिया है। तो अब इनको पानी पिलाते हैं। तो चलो व्लॉग में आगे दिखाते हैं आपको क्या करते हैं। आज लेट भी हो गए हैं, टाइम भी ज्यादा हो गया, जल्दी जल्दी सब काम करना है। आज बारिश भी आ गई, बारिश आ गई, इसलिए मतलब इस वजह से हम लेट हो गए। तो चलो चलते हैं, अब इनको पानी पिला देते हैं। एक वो कीर्ति रहेगी, उनको लेके आते हैं बाहर। आगे डर रही है ये भी। बांधे ना। तो फ्रेंड्स, सारे पशुओं को बाहर बांध दिया है और हम पानी पिला देते हैं पशुओं को। ओए, हमारे फार्म पे मतलब सबसे पहले पशु को अंदर बंधे हुए उनको बाहर बांधते हैं, उसके बाद में पानी पिलाते हैं सभी पशुओं को, बाद में इनका उनकी मिल्किंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर ये हन्नी को पानी पिला दिया। मैंने बोला था कि सारा को मतलब चित्रा को बाहर बांधते हैं, ऊपर खड़ी होगी, देख लो आप ऊपर खड़ी होगी है अभी। ये डेली मतलब डेली इसका काम है कि ये तो फ्रेंड्स, ये हमारी चित्रा भी नीचे मतलब ऊपर थी पहले, तो अभी पानी पीने के लिए नीचे आ गई। तो इसको पानी पिला देते हैं, बाद में दूसरी को पिलाएंगे तो वापस ये ऊपर चढ़ जाएगी। तो सभी को पानी पिला रहे हैं अभी, तो बाद में मिल्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मम्मी है जो भी चित्रा को लेने जा रहे हैं, क्योंकि चित्रा को दूध पिलाने का टाइम हो गया। तो ये देखो, ये चित्रा आ रही है, चित्रा रनिंग कर रही है और अपने मम्मी के पास जा रही है। तो चित्रा ये देखो निकल के और ये अपनी मम्मी के पास पहुंच गई है। और ये हमारी चांदनी भैंस है जो अभी मतलब इसका इसकी मिल्किंग करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो अभी तो मैं अभी तो चित्रा दूध पी रही है। तो अब फ्रेंड्स चलो और आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी चित्रा, मैंने बोला ना मतलब पानी पीने के बाद में ये ऊपर वापस चढ़ जाएगी। तो इसने पानी पी लिया, पानी पीने के लिए नीचे आई थी, तो पानी पीने के बाद में ऊपर चढ़ गई। ओए, कितनी समझदार चित्रा। ओए, इधर देख, इधर देख। अब ये मतलब नीचे कीचड़ जाता है इसलिए। ओए, अच्छा कर लिए, पानी पिला दिया है भैंसों को।
तो अब मौसम भी काफी मतलब खराब हो रहा है, तो हम पानी पिला दे मतलब पानी पिला दिया, सब काम कर दिया। तो अब मतलब मम्मी उधर मिल्किंग कर रहे हैं चांदनी भैंस के, और मौसम खराब हो रहा है इसलिए हम कुट्टी कर देते हैं। चलो चलते हैं कुट्टी करने के लिए। इसलिए मतलब ये है इसको खोल के मतलब कुट्टी करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कुट्टी आएगी भी इसको सही कर लेते हैं ताकि मतलब कुट्टी नीचे गिरे नहीं। हमने कुट्टी वगैरह करके हम फ्री हो गए हैं ताकि मतलब मौसम खराब था, तो देख लो आप बाहर कुट्टी करने के बाद बारिश भी आ गई है। बारिश भी तेज आ रही थी, अब एक अचानक रुक गई, मतलब मौसम ही ऐसा है तो और भी आने वाली है जल्दी जल्दी काम को फ्री। तो इधर से बारिश आ रही, देख लो ये पानी नीचे गिर रहा है छप्पर से। तो अब हम हन्नी भैंस का दूध निकाल देते हैं, हन्नी भैंस की मिल्किंग कर देते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे ये तो आपको आगे व्लॉग में जरूर दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं हन्नी की मिल्किंग करने के लिए। किट्टू कैसे सेम ही हुए, किट्टू आराम से दूध पी लिया और मम्मी के पास में खड़ी है। ये किट्टू है जो मिल्किंग कर ली है मतलब चांदनी भैंस की, तो ये इसने दूध पी लिया है, तो अब इसको मतलब अंदर ले जाती हूँ इसके जगह पे। तो चलो किट्टू मम्मी के साथ में खेल लिया है, तो चलते हैं, बारिश आ रही है ठंड लग जाएगी आपको भी। चलो चलो चलो, चलो अपनी जगह पे चलो। दूध पी लिया मतलब हमेशा तो मतलब बार बांध किट्टू को हमेशा मतलब बाहर बांधते हैं ये इसकी जगह, पर आज बारिश आ रही है मौसम भी खराब है इसलिए इसको अंदर लेके जाते हैं। चलो किट्टू अंदर चलो। अपने घर में चली गई, अब इसको बंद करते हैं वापस आ जाएगी ये तो। दूध भी पी लिया तो ताकत भी आ गई अब इसमें, शायद इनको भी मतलब माचे को भी उलांग के आ सकती है बाहर। बाय बाय किट्टू, बाय बाय हम चलते हैं, बाय बाय। किट्टू देख रही है हमारे पीछे आने के लिए, सोच रही है मैं भी जाऊं पर जाऊं कैसे। किट्टू तो सोच रही है जाऊं पर कैसे जाऊं। दूध पी लिया है इसने भी, तो अब हम हन्नी की मिल्किंग करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हन्नी भैंस को मतलब ये बांटा रखेंगे, और मम्मी मतलब ये कृत्रिम मतलब ये बनाया कटड़ा तो ये रख दिया है जो मतलब अंकल जी ने बनाया, वो वापस बारिश भी आ गई है। बारिश भी आ गई है, बारिश आने की वजह से बहुत ही ज्यादा हम लेट भी हो गए दूध निकालने के लिए, और अंधेरा भी काफी हो गया है, और बारिश भी वापस आ गई है। कांबड़े कड़े तो ये हन्नी मतलब इसका कटना मर गई, रोने के बाद में ये मतलब ये कट्टा बनाया, तो ये मतलब इसको पास में इसके रखते हैं, और बाद में मतलब इसको मतलब बांटा वगैरह और रखते हैं, और ये मतलब इसके बाद में उसके एक्सपायर होने के बाद में इसके दो पैर भी बांधने पड़ते हैं आगे वाले, और बाद में मतलब एक आदमी इसके पास में खड़ा होता है तभी तो मतलब शांत स्वभाव की, इसलिए मतलब दूध मिल्किंग करवा देती हैं। तो मतलब अभी मम्मी मिल्किंग कर रहे हैं ताकि मेरे से भी नहीं निकलाती, मिल्किंग नहीं करवाती है तो बाद में मैं भी। तो आज मतलब मौसम खराब होने की वजह से आज अंधेरा ही अंधेरा हो गए हैं, तो इसलिए मतलब बारिश भी आ रही है, तो बाद में मतलब मिल्किंग तभी और करूंगी मैं, तो आज मम्मी कर रहे हैं मिल्किंग। तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, तो आप व्लॉग को एंड तक जरूर देखना,
आई होप आज का लोग आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, प्यारा लगा हो आज का लोग, तो कमेंट करके जरूर एक बार बता देना कि आज का लोग आपको कैसा लगा, ताकि मतलब ऐसे ही कंटेंट लेके आए आपके लिए, तो लोग को एंड तक जरूर देखना। मतलब देखो फ्रेंड्स, ये बारिश आ गई है तो चित्रा वहाँ पे ऊपर खड़ी हो गई है खाना खाने की जगह पे। उठो, हाथ